हाय फूडीज, कैसे हैं आप सब। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ चाइना ग्रासिन चॉकलेट फ्लेवर। ये बहुत ही सिंपल रेसिपी है। उसके लिए हमने लिया है 100 ग्राम चाइना ग्रास पाउडर। इसमें शुगर ऑलरेडी मिली हुई रहती है, प्लेन रहता है, इसमें कोई फ्लेवर नहीं होता है और यह हर सुपरमार्केट में इजीली मिल जाता है। उसके साथ हम लेंगे 2 टेबल स्पून कोको पाउडर, आधा लीटर दूध जो कि 2 कप के अराउंड होता है, और कुछ चॉकलेट के चंक्स। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम एक बाउल लेंगे। बाउल के अंदर हम हमारा ये जो कस्टर्ड चाइना ग्रास पाउडर है ना, वो डाल देंगे, और कोको पाउडर जो है वो डाल देंगे। उसके साथ ही जो हमने आधा लीटर दूध लिया है ना, आधा लीटर दूध में से थोड़ा सा दूध इसमें डाल देंगे ताकि ये अच्छे से मिक्स हो जाए। जैसे आप वीडियो में देख रहे हैं, थोड़ा सा ही डालेंगे, ज़्यादा नहीं डालेंगे, और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि दोनों एक दूसरे के साथ अच्छे से कंबाइन हो जाए और कोई भी लम्स ना रहे। देखिए, हमारा चाइना ग्रास पाउडर एंड कोको पाउडर अच्छे से कंबाइन हो गया। अब हम एक पतीला लेंगे, उसे गैस पे रख देंगे और उसके अंदर हमारा ये जो बचा हुआ दूध है ना, वो डाल देंगे और उसे तब तक पकाएंगे जब तक उसमें से एक अच्छा सा बॉईल नहीं आ जाता। हमारा दूध अच्छे से गर्म हो गया है और बॉईल भी आ रहा है, तो अब हम इसमें हमारा प्रिपेयर किया हुआ पेस्ट डाल देंगे और दूसरे हाथ से उसमें कंटिन्यूसली हिलाएंगे, वरना उसमें लम्स हो सकते हैं। हमें अपना हाथ बिल्कुल भी नहीं रोकना है जब तक इसका कोको पाउडर एंड चाइना ग्रास पाउडर अच्छे से दूध में डिज़ोल्व नहीं हो जाता। हमें अपने हाथ से उसे स्टर करते रहना है। देखिए, हमारा चाइना ग्रास ऑलमोस्ट प्रिपेयर हो चुका है। सब कुछ इसमें अच्छे से डिज़ोल्व हो गया है, मिक्स हो गया है, इसे एक बॉईल भी आ चुका है। अब हम हमारे मोल्ड में, जिसमें भी हमें इसे जमाना है, हम उसे छान के उसमें डाल देंगे, जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हैं। और ये डालने के बाद ही इसके ऊपर हम चंक्स डाल देंगे जो कि मैंने शूट करना भूल गई थी। अब ये जो हमारा चाइना ग्रास है ना, हम इसे हमारे फ्रिज में रख देंगे ठंडा होने के लिए कम से कम 2-3 घंटे, या फिर जब तक ये अच्छे से सेट नहीं हो जाता। ये देखिए, हमारा चाइना ग्रास अच्छे से सेट हो गया है। अब हम इसे निकाल देंगे, डीमोल्ड कर देंगे। मैंने यहाँ पे बटर पेपर पीछे इसीलिए लगाया था क्योंकि मुझसे उठ नहीं रहा था, काफ़ी ठंडा था, तो मैंने इसकी मदद से, मुझे स्लिप हो जा रहा था तो इसकी मदद से मैंने लिफ्ट किया। देखिए कितना प्यारा, कितना खूबसूरत लग रहा है। ये जो देख रहे हैं ना आप, ये चॉकलेट चंक्स है जो मैं आपको डालते हुए दिखाना भूल गई थी। ये बहुत ही टेस्टी और बहुत ही मज़ेदार सा बन के तैयार होता है। हम इसे ठंडा खाएँगे ना तो आपको ऐसे लगेंगे आप ठंडी ठंडी आइसक्रीम खा रहे हो, चॉकलेट आइसक्रीम खा रहे हो। प्लीज़ ट्राई कीजिए, ये बहुत मज़े का बनता है और बहुत जल्दी बनता है। मैं आपके लिए ये वीडियो बड़ी मेहनत से बनाती हूँ। प्लीज़ मुझे सपोर्ट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। अगर कोई भी सजेशन है मेरे लिए तो प्लीज़ मुझे दीजिए। अगर आप मुझसे चाहते कि मैं कुछ और आपके लिए बना कर लेके आऊँ तो बताइए, इंशाल्लाह मैं ज़रूर बनाऊँगी। दुआ में याद रखिए और प्लीज़ प्लीज़ मुझे सपोर्ट कीजिए। थैंक यू, जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफिज़।